कक्षा एट, विषय संस्कृत, ठीक है। चल रहे हैं हमारा कारक प्रकरण, क्या चल रहा है हमारा कारक प्रकरण। कारक में भी हमारा क्या चल रहा है, संप्रदान कारक, क्या चल रहा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, या हम कह सकते हैं चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, या हम कह सकते हैं चतुर्थी विभक्ति। आज इसमें एक और बात लिखते हैं, काजर निम्नलिखित धातु नाम योगे, निम्न लिखित धातु नाम योगे, यानी निम्नलिखित धातुओं के योग में प्रायः चतुर्थी विभक्ति भवति, प्रायः चतुर्थी विभक्ति भवति, यानी अधिकतर, प्रायः का मतलब होता है अधिकतर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। निम्नलिखित धातुओं के योग में अधिकतर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उन धातुओं को हम पहले लिखेंगे, जैसे कथय, कथय का मतलब क्या होता है कहना, इस धातु के योग में अधिकतर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण लिखते हैं इसका और उसको हल करने का प्रयोग करते हैं, राम स्वमित्राय कथयति, राम स्वमित्राय कथयति। अब यहाँ स्वमित्राय के नीचे अंडर लाइन, इसमें हमें बताना है विभक्ति और बताना है कारण, यहाँ पे विभक्ति क्यों आया है और कारण क्या है। तो विभक्ति हम कह सकते हैं चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे चतुर्थ कारण, अत्र कथय धातु प्रयोग वर्तते, यहाँ पे कथय धातु का प्रयोग है, इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः वर्तते, प्रयोगः वर्तते, यहाँ पे कथय धातु का प्रयोग है और कथय धातु के योग में अधिकतर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, सामान्य बात है। नंबर दो, एक धातु बता दिए जिनके योग में अधिकतर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, निवेदय, निवेदय यानी निवेदन करना, निवेदन करना, इस धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है शिष्य गुरुवे निवेदयति, उदाहरण दिया हुआ है शिष्य गुरुवे निवेदयति, ठीक है। अब इसमें गुरुवे के नीचे अंडरलाइन, तो इसमें हमें बताना है विभक्ति, ठीक है, और कारण, विभक्ति यहाँ लिख देते हैं, कारण यहाँ लिखते हैं, ठीक है, कारण के विभक्ति आने का कारण क्या। तो विभक्ति तो हम लिखते हैं चतुर्थी विभक्ति, कौन सा लिखते हैं चतुर्थी विभक्ति है इसमें, ठीक है। अब चतुर्थी विभक्ति का आने का कारण क्या है, तो लिखेंगे अत्र यानी यहाँ निवेदय धातु प्रयोग वर्तते, यहाँ पे निवेदय धातु का प्रयोग है, इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयोग
वार्तक है। इस कारण से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ पे निवेदे धातु का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है उपदेश यानी उपदेश देना, नंबर तीन पे है उपदेश यानी उपदेश देना, उपदेश देना। इस धातु के युग में भी चतुर्थी विभक्ति का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, जैसे साधु सज्जनाय उपदिशते, साधु सज्जनाय, सज्जनाय उपदिशते। अब सज्जनाय के नीचे अंडरलाइन, यहाँ पे हमें बताना है विभक्ति और कारण, विभक्ति और कारण। इसी प्रकार से आप इसमें विभक्ति और कारण बता सकते हैं। विभक्ति क्या है? चतुर्थी। कारण आप अपने आप इसका लिखेंगे, ठीक है। इसमें उपदेश धातु का प्रयोग हुआ है इस बात को माध्यम करके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।